बाय बाय टाइगर। 104 किलोमीटर स्ट्रेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अननोन टेरिटरी विद समीर। तो आज है हम काठमांडू में, मतलब अभी हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। सुबह के बज चुके हैं 5:35 हो गए, तो हम लोग अभी निकलने वाले। तो पैकअप का सब रेडी पड़ा हुआ है, सामान जाके खाली बाइक पे लोड करना है। तो आज की जर्नी है 485 किलोमीटर ना? यस, आज की जर्नी है 485 किलोमीटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सुबह 6 बजे। तो गूगल बता रहा है कि 11 घंटे का जर्नी है, बट हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो पहले फटाफट से सामान जाके लोड करते हैं बाइक पे और मिलते हैं ऑन द वे काठमांडू टू सिलीगुड़ी। फाइनली काठमांडू छोड़ने का टाइम आ गया है और हम लोग निकल रहे हैं अभी सिलीगुड़ी के लिए। और सब राइडर्स का पैकिंग ऑलरेडी हो गया है, सब रेडी हो रहे हैं। शशिकांत जी भी रेडी हो रहे हैं, प्रतीक का तो फुल पावर हो गया है और यहाँ पे 2 बाइक रेडी है और कुबेर का भी सब पैकिंग सेट हो गया है। तो हम लोग निकलेंगे अभी सिलीगुड़ी के लिए। तो लेट हो गया 1 घंटा, हमेशा की तरह लेट होता ही है ना। तो निकलते हैं। निकलने के पहले एक बार मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। ये होटल श्रद्धा पैलेस है और ये भाई साहब, आपका नाम? रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी, तो रोहित शेट्टी ने हमें बहुत हेल्प किया है यहाँ आने के बाद। और ये होटल श्रद्धा पैलेस ध्यान में रखो, कभी भी आप नेपाल आके काठमांडू आए तो यहाँ पे विजिट करो। ये होटल का नंबर और नाम एड्रेस सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको ज़्यादा हेल्प होने के लिए। तो चलते निकलते फटाफट से और सिलीगुड़ी के लिए अपना राइड है 485 किलोमीटर का। ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुके, तो निकलते सिलीगुड़ी के लिए। ये सब पशुपतिनाथ टेंपल का एरिया है। ऐसी बहुत सारी जगह काठमांडू में एक्सप्लोर करने लायक, बट आपके पास टाइम होना चाहिए। 2-3 दिन का टाइम लेके आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट हम लोग 1 ही दिन के लिए आए थे तो अच्छे से पशुपतिनाथ जो बहुत फेमस टेंपल है वही एक्सप्लोर किया। और दूसरे दिन सुबह, मतलब अभी हम लोग निकल चुके हैं काठमांडू से, तो इसके साथ हम लोगों की एक कंट्री भी कंप्लीट हो गई और हम लोग अभी इंडिया पहुँचेंगे। आज सिलीगुड़ी में आज स्टे है। तो अभी हम लोग है AH-42 पे, भक्तपुर हाईवे। AH मतलब अर्निको हाईवे, जैसे इंडिया में नेशनल हाईवे बोलते हैं वैसे नेपाली लैंग्वेज में अर्निको हाईवे बोलते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं भक्तपुर हाईवे से, ये 200 किलोमीटर तक, और उसके बाद नेशनल हाईवे पे एंटर करेंगे, वो रहेगा NH-10 ईस्ट वेस्ट हाईवे। तो राइड का पहला ब्रेक, फ्यूल अप ब्रेक, वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइज, आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि AH-42 का जो भी 200 किलोमीटर्स का पैच है वो हम लोगों का ड्रीम है और वो बहुत डेंजर है और उसमें सीनरीज भी अच्छी है, तो इसकी वजह से आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो देखते आगे क्या क्या सीनरीज आएगी और आपको भी दिखाते हैं। अभी अच्छा लोकेशन देख के टी ब्रेक नहीं तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकना जरूरी है। तो ये अन्नपूर्णा रेंज है, तो ये इससे अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, है कि नहीं? कैसी है, मस्त है ना? तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे चलते टाइम आपको अन्नपूर्णा रेंज के बारे में सब डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना।
निकलते ही फर्स्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे चाय के लिए और रेड बुल्स के लिए। ये यहाँ पे खाना घर में रुके थे। बाय बाय टाइगर। तो कॉफ़ी, चाय, रेड बुल्स, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी आराम से चलते हैं। देखो आराम से चलने की बात होगी और ऑफ रोडिंग चालू हो गया, तो अभी आराम से चलते चलते अन्नपूर्णा के बारे में जान लेते हैं। अन्नपूर्णा के पूरी रेंज में 13 ऐसे शिखर है जो 7000 से भी ऊँचे हैं और 16 ऐसे शिखर है जो 6000 मीटर से भी ऊँचे है। और मेन मतलब अन्नपूर्णा का मेन जो शिखर है वो 8091 मीटर, मतलब उसका फीट में देखा जाए तो 26545 फीट ऊंचा है। अन्नपूर्णा विश्व का 10वां मतलब सबसे ऊंचा ऐसा पर्वत है। ये 55 किलोमीटर के रेंज में नेपाल में उत्तर और मध्य नेपाल के बीच फैला हुआ है। एक्चुअली मेन शिखर है जो 4 है उसकी हाइट है, जो फर्स्ट है उसकी हाइट है 8091 मीटर और सेकेंड है वो है 7937 मीटर और तीसरा जो है वो 7555 और चौथा है जो 7525 मीटर का। नेपाल आके आप अन्नपूर्णा का ट्रैक भी कर सकते हैं। पोखरा से है जो ABC ट्रैक से बहुत फेमस है अन्नपूर्णा बेस कैंप। गाइज हम लोग अभी भी H42 से चल रहे हैं भक्तपुर हाईवे से और ये जो साइड से नदी जा रही है इसका नाम है सुनकोशी नदी। ये नदी हम लोगों के साथ में बहुत टाइम रहने वाली है, कभी लेफ्ट में आएगी कभी राइट में आएगी और जैसे तामाकोशी रिवर आएगी उसमें मिल जाएगी और हम लोगों के साथ से बिछड़ जाएगी। तो गाइस राइड का ये फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है, बहुत छोटा है लेकिन वाटर क्रॉसिंग का अभी एक्सपीरियंस हो गया, ये फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग हम लोगों ने कर लिया है। स्लाइड हो रहा है या काम कर रहे हैं? चलो रास्ता क्लियर हो गया है और ऊपर आपको शायद गोपुरों में से दिख रहा होगा तो ऊपर एक JCP है
और वो अपने आप गिरने वाले पत्थरों को पहले से ही गिरा रहा है ताकि कोई बाइक पे या कार पे ना गिरे। तो यहाँ पे शायद से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। अरे बाप रे, कितना बड़ा पत्थर है। और ये दूसरा वाटर क्रॉसिंग, और वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। सो गाइस, ऑफ रोडिंग और वाटर क्रॉसिंग शायद से ख़त्म हो गया, तो जहाँ पे अभी आगे रुकेंगे वहाँ पे मिलते हैं। फाइनली ये जगह पे पहुंच गए, जो जगह हम लोग अभी तक फ़ोटो में देख रहे थे और वीडियोस में देख रहे थे, वहाँ खुद आके विजिट की है। और ये जो सब रोड थे, अभी हम ऊपर आए, बाकी बाइक सब पीछे है, तो वो लोग आने का वेट करते हैं। और यहाँ से फ़ोटो सेशन करके बहुत अच्छे अच्छे सीनरी का मज़ा लेते हैं। तो ये मिरर, मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे मिरर चढ़ाए जाते हैं, ऐसे ये देवी माता का ये प्रथा है। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, हम लोग निकल गए थे काठमांडू से सिलीगुड़ी के लिए, तो आते जाते रास्ते में ये मंदिर गिरता है, तो यहाँ आके हम लोगों ने दर्शन किया। बाकी मेरे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं। तो जाते जाते आप कभी भी काठमांडू से सिलीगुड़ी जाएंगे तो सेती देवी माता का मंदिर आता है बीच में, तो दर्शन जरूर लीजिए। चलो,
हेलो एवरीवन, तो हम लोगों का ये सेकेंड ब्रेक है, टी ब्रेक, क्योंकि ये पहाड़ी का रास्ता कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, तो कुछ राइडर को थोड़ा सा नींद टाइप सा आ रहा था, इसलिए वापस एक टी ब्रेक लिया है। अभी इसके बाद शायद से फ्यूल के लिए रुकना पड़ेगा, बट पहाड़ी में चलने के लिए तो बहुत मज़ा आ रहा है और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा, जो भी चीज़ हो रही है तो फर्स्ट टाइम हो रही है। और देखो तो लग रहा है जन्नत में पहुंच गए, और बाइक चलाने का जो भी सपना था, जो भी सोच रहे थे अभी तक, जो भी फ़ोटो में देख रहे थे, वीडियोस में देख रहे थे, वो अभी महसूस कर रहे हैं। तो चलते अभी फटाफट से, टाइम पास नहीं करते, और 352 किलोमीटर्स बाकी है, और इसके आगे और ऐसा ही 70 या 90 किलोमीटर्स ऐसा ही रोड है, उसके बाद थोड़ा सा प्लेन रोड आएगा तो और डिस्टेंस कट हो जाएगा, तो देखते आगे। बराबर ये 60 कितना बोले, 60 बोले ना, 60 दो ना, देंगे ना, आप जो बोलेंगे वो देंगे ना। आपके इलाके में घूमने आए तो आप जो बोलेंगे करना पड़े, है कि नहीं? हाँ, सबको एक एक रिसीट दो। तो यार रुक के क्या करेंगे भाई, ये रास्ते से नीचे उतरेंगे तो सिंधुली करके एक जगह है, एक छोटा सा टाउन है, वहां से आगे जाने के बाद एक मेजर लेफ्ट आएगा, वो है ईस्ट वेस्ट हाईवे NH10, वो हमें इंडिया लेके जाएगा सिलीगुड़ी। ऑलमोस्ट हम लोग सिंधुली पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग H42 छोड़ के NH10 पे जाने का इंतज़ार करेंगे, और निकल गए यहाँ से, और अभी मिलते हैं आपको NH10 पे पहुंचने के बाद। फाइनली हम लोग ईस्ट वेस्ट हाईवे NH10 पे पहुंच गए, हमारे कैप्टन भी आगे गए, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, तो हम लोग अभी लेफ्ट लेके यहाँ से सीधा 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 जो स्ट्रेट रोड है, जो अभी पहाड़ी का जैसे कर्विंग वाला रोड था, वो सब ख़त्म हो गया, अभी डिस्टेंस कट करने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा।
बहुत टाइम के बाद स्ट्रेट रोड मिला, भगाने के चक्कर में मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। बाकी दोस्तों का वेट करना पड़ेगा अभी रुक के, तो रुकते हैं और सबका वेट करते हैं। आगे लाइन से 1, 2, 3 गाड़ी आ गई है। ये तो अंदर ले गाड़ी, एक सौ चार किलोमीटर स्ट्रेट है। ये रोड पे आने के बाद बहुत सारी नदियां और ब्रिज भी लग गए। ये देखो ये कौन सा है, कमला पुल। ये कमला नदी है और बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा ब्रिज है ये। स्ट्रेट रोड मिलने के बाद भगाने के चक्कर में सब आगे पीछे फुल स्पीड में भाग रहे हैं। अभी ब्रेक तो लिया नहीं है, शायद अभी एक ब्रेक लेंगे आगे जाके। वो ब्रेक थोड़ा लंबा ही होने वाला है ऐसे लग रहा है मेरे को, क्योंकि कैप्टन हमारे आगे गए हुए हैं और शायद से रुकने का इशारा कर रहे हैं। चलो अच्छा हुआ नहीं रुका, आगे जाके कहीं तो भी ढाबे पे रुकेंगे। क्या हुआ, नींद आ रहा है? अरे यार बोला था ना अभी बहुत लंबा ब्रेक होने वाला है, तो यहाँ पे अभी कितना टाइम जाएगा पता नहीं, तो सीधा आपको होटल पे मिलते हैं। में तो होटल का नाम है होटल सम्राट, तो ये होटल है, मतलब छोटा सा ही रूम लिया है क्योंकि रात भर सोना है बस और सुबह निकल जाना है। और ये सामान वैसे इधर बिखरा पड़ा हुआ है, और ये मेरा दोस्त हमेशा इंस्टा और फेसबुक पे एक्टिव रहता है, तो उसके लिए मतलब कब होटल लू और कब इंस्टा फेसबुक चालू करूँ बस उसी में उसका रहता है, तो वो बहुत बिजी है। तो और ये टॉयलेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अननोन टेरिटरी विद समीर। तो आज हम निकले थे काठमांडू से सुबह 7 बजे और पहुंचने का प्लान था नेपाल बॉर्डर तक, जहाँ से सिलीगुड़ी जाना था। तो वो प्लान था हम लोगों को 7:30 बॉर्डर क्रॉस करके सिलीगुड़ी एंटर करके। हम लोगों का ऑलरेडी सिलीगुड़ी में बुकिंग था स्टे का, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ का रूट थोड़ा सा ज़्यादा कर्विंग, घाट सेक्शन तो बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत टाइम गया उसमें, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो
हम रुके हैं ये होटल में, ये होटल है होटल सम्राट उल्लाबारी। ये एक छोटा टाउन है नेपाल बॉर्डर के पहले, जहाँ से सिलीगुड़ी के लिए एंटर करते तो बॉर्डर पे जाके, वैसे भी बॉर्डर क्रॉस होने वाली नहीं थी तो उसके पहले, क्योंकि बॉर्डर पे जाके कुछ होटल स्टे करने के लिए, होटल खाने के लिए, होटल ये सब नहीं होने वाला था, तो उसके पहले हम लोग 30-35 किलोमीटर पहले हम लोगों ने एक होटल बुक किया और यहाँ पे स्टे किया है आज रात के लिए। तो कल तक हम लोग, कल सुबह मतलब यहाँ तक, यहाँ ये होटल में रहेंगे और यहाँ से निकलेंगे सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से जाएंगे भूटान। तो सुबह की जर्नी 7 बजे स्टार्ट होगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके आगे वाले भूटान के भी वीडियो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने मिलेंगे। तो जरूर से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ राइड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो पहले जाके खाना खाते और आज रात यहीं पे सो जाते हैं।